घर की छत ऐसी नहीं होना चाहिए वरना होगा बुरा असर। मित्रों, लाल किताब के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि घर की छत कैसी होना चाहिए या कैसी नहीं होना चाहिए। कुंडली का 12वां भाव घर की छत माना गया है। घर की छत को अच्छा रखेंगे तो 12वां भाव भी अच्छा होना माना जाता है। घर की छत कई प्रकार की होती है। जब हम छत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक तो आपके रूम के भीतर की छत जहां पंखा आदि लगा होता है, और दूसरा वह छत जिसे गच्ची या ऊपरी छत कहते हैं। आओ जानते हैं कि घर की ऊपरी छत कैसी होना चाहिए। छतें मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, सपाट छत, ढालू छत और गोल छत। तीनों ही छत वास्तु अनुसार बने तो बेहतर है। सपाट छत के ऊपर और भी मंजिलें बनाई जा सकती है, लेकिन ढालू छत में यह संभव नहीं। हालांकि कुछ मकान ऐसे होते हैं जिसमें सपाट और ढालू दोनों ही प्रकार की छतों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अधिक वर्षा वाले या बर्फबारी वाले क्षेत्रों में प्रायः ढालू छतें ही बनती है। शहरों में मुख्यतः सपाट छतों वाले मकान होते हैं। इन छतों में ध्यान रखने वाली बात यह कि ढलान किस ओर होना चाहिए। छत या घर के फर्श का ढलान वास्तु अनुसार होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ढलान होना चाहिए। घर की छत का ढलान इसके विपरीत नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जिसका पश्चिम या दक्षिण मुखी मकान हो तो वह क्या करें। इसके लिए किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर स्थान को देखकर ही ढलान किधर होना चाहिए यह तय होगा। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजालदान न हो, जैसे आजकल घर की छत में लोग 2x2 का एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं उजाले के लिए। इससे घर में हमेशा हवा का दबाव बना रहेगा जो सेहत और मान मस्तिष्क पर बुरा असर डालेगा। तिरछी छत बनाने से पहले बनाने से बचें। छत के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि वह तिरछी डिजाइन वाली न हो। इससे डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। घर की छत की ऊंचाई भी वास्तु अनुसार होना चाहिए। यदि ऊंचाई 8.5 फुट से 8.5 फुट से कम होती है तो यह आपके लिए कई तरह की समस्याएं लेकर आती है और जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि घर छोटा है तो घर तो छत की ऊँचाई कम से कम 10 से 12 फीट तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंची रखने के लिए वास्तुशास्त्री से संपर्क करना चाहिए। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी न करें। यहाँ किसी भी प्रकार के बांस या फालतू सामान भी न रखें। जिन लोगों के घरों की छत पर अनुपयोगी सामान रखा होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती है। उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नकारात्मक होते हैं। परिवार में भी मनमुटाव की स्थितियाँ निर्मित होती है। घर की छत पर रखा पानी का टैंक किस दिशा में हो यह जानना जरूरी है। उत्तर पूर्व दिशा पानी का टैंक रखने के लिए उचित नहीं है। इससे ज़्यादा तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है। दक्षिण पूर्वी दिशा अग्नि की दिशा है, इसलिए भी इसे पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अग्नि और पानी का मेल होने से गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण अन्य दिशा से ऊंचा और भारी होना शुभ फलदायी होता है। तो यह था कि घर की छत कैसी हो इस संबंध में जानकारी। आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं।